नमस्ते भारत। शूटर दादी के नाम से मशहूर निशानेबाज चंद्रू तोमर का आज 79 साल की उम्र में निधन हो गया। वो कोरोना से इफेक्टेड थी। दोस्तों, उन्हें विश्व की सबसे उम्रदराज निशानेबाज कहा जाता था। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना ने तबाही मचाई हुई है। कोरोना के 34,626 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 32,494 लोग ठीक होकर के डिस्चार्ज भी हुए हैं। और 24 घंटे में प्रदेश में 2,44,000 कोविड टेस्ट हुए हैं। इनमें 1,08,000 केवल आरटीपीसीआर टेस्ट शामिल है। तो हम बात कर रहे थे शूटर दादी की। शूटर दादी के नाम से मशहूर निशानेबाज चंद्रू तोमर का निधन हो गया है। वे 26 अप्रैल को कोरोना से संक्रमित हुई थी। उनका मेरठ के मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा था। शूटर दादी के निधन से उनके समर्थकों में शोक की लहर दौड़ गई है और जो उनके चाहने वाले हैं बेहद उदास हो गए हैं। पहले से ही कोविड के कारण लोगों के दिमाग में और दिल में उदासी भरी हुई थी और ऐसे लोगों के जाने से और उदासी के माहौल बनते जा रहे हैं। चंद्रू तोमर के संघर्ष की कहानी को बॉलीवुड ने फिल्म सांड की आंख में पिरोया था। इसके बाद शूटर दादी पूरी दुनिया में छा गईं। उन्होंने कई राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं जीती और उन्हें विश्व की सबसे उम्रदराज निशानेबाज माना जाता रहा है। उन्होंने अपनी बहन प्रकाशी तोमर के साथ कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और प्रकाशी भी दुनिया की उम्रदराज महिलाओं में निशानेबाज महिलाओं में शामिल है। बॉलीवुड फिल्म सांड की आंख में दादी चंद्रू तोमर और प्रकाशी तोमर की रियल लाइफ की स्टोरी है और इसमें अभिनेता आमिर खान ने दोनों शूटर दादी की कहानी से प्रभावित होकर के उन्हें अपने शो सत्यमेव जयते में भी बुलाया था। बागपत में बिनौली के जौहड़ी गांव में शूटर दादी को गुरुवार रात ही बागपत के आनंद हॉस्पिटल से मेरठ के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। परिजनों ने ये बताया कि उनकी जो मौत है ब्रेन हैमरेज से हुई है और अंतिम संस्कार कोविड प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग ही किया जाएगा। परिवार वालों ने पहले ही सोशल साइट पे ये बात शेयर की थी कि निशानेबाज चंद्रू तोमर 26 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव हुई और उसके बाद उन्होंने इसकी जानकारी दी और अपने आप को आइसोलेट कर लिया था। और सोशल साइट पे लिखा हुआ था कि चंद्रू दादी कोरोना पॉजिटिव है। उन्हें सांस की परेशानी के चलते हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है और ईश्वर उनकी रक्षा करें। लेकिन आज उन्होंने आखिरी सांस ली और हम लोग एक उम्रदराज निशानेबाज महिला को खो चुके हैं इस समय। वैसे तो आज और भी कई सारी ऐसी खबरें हैं जिन्होंने बहुत निराश किया, जिन्होंने बहुत उदास किया। उसमें एक नाम रोहित सरदाना का भी है। उन्हें भी आज सुबह वो कोरोना से संक्रमित थे और सुबह उन्हें हार्ट अटैक हुआ और उनकी डेथ हो गई। तो दोस्तों, ये थी अब तक की खबरें। आप मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए एमबी स्पीक्स। जय हिंद, जय भारत।